फाल्गुन मास के कृष्ण सप्तमी से शुरू हो रहे हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रदेश के सभी कानून हरियाणवीज हो जाएंगे। इस सूत्र में सरकार ऐसा विधेयक पास करवाने जा रही है जिससे 163 कानूनों के नाम से पंजाब शब्द हटाकर उसके स्थान पर हरियाणा कर दिया जाएगा। हरियाणा के अधिनियमों से पंजाब का नाम हटाने के उद्देश्य से गठित कमेटी ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। इन सिफारिशों को लेकर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा सचिवालय में प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव विजय वर्धन, विधानसभा सचिव राजेंद्र कुमार नालंद और कानून एवं विधि विभाग के लीगल रिमेंबर सर भीमेश्वर तंवर के साथ बैठक की। बैठक में दोनों अधिकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष को बताया कि इस मामले में गठित समिति अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव के सम्मुख प्रस्तुत कर चुकी है। इसके बाद यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने प्रस्तुत की गई। अधिकारियों ने बताया कि इस रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री अपनी मंजूरी दे चुके हैं। इसके बाद विधेयक का मसौदा तैयार करने का रास्ता साफ हो गया है। अब प्रदेश सरकार का संसदीय कार्य विभाग इस रिपोर्ट के आधार पर विधेयक का मसौदा तैयार करेगा। गुप्ता ने बताया कि हरियाणा के कानूनों के शीर्षकों से पंजाब शब्द हटाने के लिए विधेयक 5 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस विधेयक के पास होने से करीब 163 कानूनों से पंजाब का नाम हट जाएगा। लीगल रिमेंबर सर ने विधानसभा अध्यक्ष से इस विधेयक के तकनीकी पहलू पर भी चर्चा की। ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि इस मामले में गठित कमेटी की सिफारिशें सकारात्मक हैं और इससे विधायकों के नाम हरियाणा के नाम पर करने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा के अधिनियमों से पंजाब शब्द हटाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। उनकी पहल पर हरियाणा की विधान पालिका और कार्यपालिका ने मिलकर योजना बनाई। इस संबंध में एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें विधानसभा और प्रदेश सरकार के कानून एवं विधि विभाग के अधिकारी शामिल रहे। विधानसभा अध्यक्ष समय समय पर इस कमेटी के साथ बैठकें करते रहते हैं। लीगल रिमेंबर सर भीमेश्वर तंवर की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी ने अपनी सिफारिशें मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री के सम्मुख प्रस्तुत की। इस कमेटी ने 1968 के आदेश के अंतर्गत स्वीकृत अधिनियमों के उपशीर्षकों के संशोधन के विषय में पुनरावलोकन एवं परीक्षण किया है। विधानसभा सचिवालय में आयोजित बैठक में इस मसले पर गंभीर मंत्रणा हुई। लीगल रिमेंबर सर ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के अधिनियमों से पंजाब शब्द के स्थान पर हरियाणा करने में कोई भी कानूनी अड़चन आड़े नहीं आएंगी। उन्होंने बताया कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। उसे अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी नया कानून बनाने तथा राज्य से संबंधित किसी भी कानून में संशोधन का पूरा अधिकार है। सर, ये पंजाब के जो कानून है, पंजाब शब्द हटाने जा रहे हैं, ये क्या प्रपोजल है और किस तरह से बिल लेके आ रहे हैं? देखिए, पंजाब और हरियाणा का गठन लगभग 54 साल पहले हुआ था, 1966 में हुआ था। उसी समय से लेकर आज तक जो हरियाणा के अंदर कानून हैं वो आज भी पंजाब के नाम से लिए जाते हैं। जो कानून दो साल के अंदर, उसके अंदर प्रोविजन था कि 2 साल के बाद हम कोई भी अपना नया कानून बना सकते हैं, या जो कानून बने हुए हैं उनको चेंज कर सकते हैं, या जो पंजाब का नाम है वहाँ पर हरियाणा अपने कानून बना सकता है। तो लेकिन देरी हुई है, जब मुझे इस बात की जो अध्यक्ष का काम दिया गया या मैं जिम्मेवारी दी गई, तो मैंने ये देखा कि ये बहुत देर पहले हो जाना चाहिए था। उसको लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की और फिर लीगल जो राय है वो आदरणीय चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, उसमें लीगल ओपिनियन लिया गया और उसकी रिपोर्ट कल आ चुकी है। और उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि हम इन जो कानूनों के अंदर पंजाब की जगह हरियाणा शब्द का प्रावधान कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक बिल विधानसभा के अंदर लेकर के आना होगा। और मैं समझता हूँ कि आने वाले सत्र के अंदर ये बिल हम इसके अंदर लेकर के आएगी सरकार, तो निश्चित तौर पर पंजाब जहाँ जहाँ भी जिस जिस कानून के अंदर है वहाँ पर
हरियाणा का शब्द जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।